hello good morning class 12 students today we will discuss some exercise questions further for you can see we already discussed up to third question now we will discuss from fourth question that is a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction what is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line पावर लाइन में नाइन्टी एम का करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फाइन करना है उसी करंट की वजह से वन पॉइंट फाइव मीटर नीचे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है तो सिंपल है यहाँ पे करंट नाइन्टी एम का फ्लो कर रहा है वन पॉइंट फाइव मीटर की दूरी पे इसको फाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड को तो स्ट्रेट वायर कंडक्टर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे अपॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड निकालना रहता है इसका फार्मूला है यू कैन सी बी इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय टू पाई आर म्यू ज़ीरो इज़ फोर पाई इन टू टेन पा माइनस सेवन करेंट दिया हुआ है नाइनटी एम का टू बाई आर आर इज द डिस्टेंस वन पॉइंट फाइव मीटर की दूरी पे वो करेंट हमको फाइन करना है तो वी पुट वन पॉइंट फाइव पाई पाई कैंसल टू फोर होगा टू बचेगा

इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ एट एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैगनी फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट वन फाइव टेक्सलाम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट निकालना है मतलब एफ बाई एल एफ का फार्मूला बी आई एल थीटा तो बी हमको दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन फाइव आई हमको दिया एट एम्पियर साइन थीटा थर्टी डिग्री दिया एंगल तो हम इस तरह से एफ बाई एल फाइन करेंगे एफ का फॉर्मूला है वी आई एल साइन थीटा हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो एफ बाई एल हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा बी आई साइन थीटा तो बी इज ज़ीरो पॉइंट वन फाइव आई इज एट साइन थर्टी डिग्री तो आप सबकी वैल्यू पुट करिए यू कैन कैलकुलेट द आंसर इजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन इज थ्री सेंटीमीटर वायर कैरिंग करेंट ऑफ टेन एम्पियर इज प्लेसड इन साइड इज सोलोनाइड सोलोनाइट परपेंडिकुलर टू इज एक्सिस सोलोनाइट के परपेंडिकुलर वायर रखी है तो एंगल हो जाएगा नाइन्टी डिग्री का मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलोनाइड इज जीरो पॉइंट टू सेवन उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट टू सेवन दिया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स फ्वाइन करना है सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा बी आई एल साइंथीटा सो बी आई एल साइन थीटा थर्टी डिग्री अपने थीटा नाइन्टी डिग्री लेना है परपेंडिकुलर टू एक्सिस दिया हुआ है बी दिया हुआ है एल थ्री सेंटीमीटर दैट इज़ थ्री बाई हंड्रेड आई इज़ गिवन टेन एम्पियर सो सिंपल यू पुट ऑल वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं सिमिलरली इसमें भी फोर फर्स्ट क्वेश्चन में भी टूअर्ड्स साउथ मैग्नेटिक फील्ड है तो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना आ जाना चाहिए करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो ईस्ट टू वेस्ट थंब का डायरेक्शन होगा फिंगर्स कर्ल होंगी नॉर्थ टू साउथ तो नॉर्थ साउथ तो साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेवेंथ सेवेंथ में टू टू लॉन्ग एंड पैरल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करेंट्स ऑफ ए एम पी फाइव एम इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ फोर सेंटीमीटर एस्टीमेट द फोर्स ऑन टेन सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए यहाँ पर आपको टू पैरल स्टेट वायर्स में करेंट का जो फार्मूला है फोर्स बिटवीन द टू स्टेट करेंट कैरिंग वायर्स पैरल लॉन्ग स्टेट वायर्स दैट तो 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 यू हैव टू यूज सिंपल फार्मूला आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट फार्मूला इज म्यू नोट आई ए आई बी एल आता है टू पाई डी एल एल तो जितने डिस्टेंस में हमको फोर्स कैलकुलेट करना है और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल वायर्स आप पुट करिए सॉल्व करिए यू विल गेट द आंसर एल जो है टेन सेंटीमीटर लेना है जहाँ पे पूछा है टेन सेंटीमीटर सेक्शन में कितना करंट होगा या फोर्स होगा फोर्स आने टेन सेंटीमीटर सेक्शन हो वाहर नेक्स्ट इज एट क्वेश्चन ए क्लोजली अमाउंडी सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ फाइव लेयर्स ऑफ वाइनिंगस ऑफ फोर हंड्रेड टर्नस ईच डायमीटर ऑफ सोलोनाइट दिया हुआ है वन पॉइंट एट सेंटीमीटर ओके करेंट इज एट एम्पियर मैग्नीट्यूड फाइन करना है बी इन साइड द सोलोनाइट इन साइड द सोलोनाइट का फार्मूला हम पढ़ पढ़ चुके हैं इट इज़ म्यू ज़ीरो एन आई वहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अभी यहाँ पे फाइव लेयर्स दिए हैं हर एक लेयर में फोर हंड्रेड टर्नस हैं तो आपका टोटल टर्न्स हो जाएंगे फाइव इंटू फोर हंड्रेड तो फार्मूले में म्यू नॉट हो जाएगा फोर पाई इंटून टू माइनस सेवन फाइव इंटू फोर हंड्रेड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंथ हो जाएगी जीरो पॉइंट एट मीटर एट्टी बाय एट सेंटीमीटर लेंथ दी है तो एट्टी बाय हंड्रेड पॉइंट एट मीटर डिवाइड करेंगे पॉइंट एट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है क्योंकि स्मॉल एन फिर आई हो जाता है एट एम्पियर दिया हुआ है सो पुट ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द आंसर पाई के टर्न में भी आंसर लिखेंगे तो इट इज़ करेक्ट रॉन्ग नहीं माना जाएगा ओके okay. from this up to this we solve today tomorrow further questions we will solve thank you